बड़वानी कलेक्टर ने आशाग्राम रोड स्थित कोविड केयर सेंटर का विजिट किया। उन्होंने कहा कि यहां भर्ती पूरे 8 मरीज अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही ट्रामा सेंटर का अवलोकन कर कहा कि अब यहां पर भी जांचें संभव हैं, जहां पर उन्होंने सुनिश्चित की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर भर्ती 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के हाल जाने। कलेक्टर ने कहा कि सभी की स्थिति अब ठीक है और जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही सेंटर पर संसाधनों की बात पर कहा कि वे अवेलेबल संसाधन पर्याप्त हैं, किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नज़र नहीं आई है। साथ ही कलेक्टर ने जिला अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर का भी अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाओं को जांचा। कलेक्टर तोमर ने कहा कि ट्रामा सेंटर में 2 नॉट मशीन लगी हुई है, जिसके माध्यम से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी सीमित मात्रा में जाँच की जा रही है, धीरे धीरे क्षमता में वृद्धि की जाएगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज आशाग्राम स्थित जो हमारा कोविड केयर सेंटर है उसका विजिट किया। वहाँ पर जितने हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वहाँ के स्टाफ से बातचीत की। स्टाफ काफ़ी मेहनत से लगन से काम कर रहा है और उनसे उनकी आवश्यकता के बारे में भी पूछताछ की गई। फिलहाल वो जितनी आवश्यकता है प्रोटेक्शन गेयर जो मिलों से संतुष्ट हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि बड़वानी में जो कोविड केयर सेंटर स्पेशली जो आशाग्राम का है, वहाँ से काफ़ी पेशेंट्स हमारे स्वस्थ होकर निकले हैं। अभी जितने पेशेंट्स भर्ती हैं 8 पेशेंट, वो भी अच्छी स्थिति में हैं और होपफुली शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विज़िट किया, ट्रॉमा सेंटर का विज़िट किया है। 2 नॉट मशीन हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है और उस मशीन के माध्यम से अब हम लोग लोकलाइज कुछ सैंपल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब इनिशियल फेज़ में है तो कम सैंपल की टेस्टिंग हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्षमता में वृद्धि होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।